हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। हम साइंस के चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे क्लास 9th का। आज हमारे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास है, ठीक है, जिसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो कि है टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है और उस चैप्टर के अंदर हमने तीन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, जिनमें से तीन स्टेट ऑफ मैटर वो कौन से, पहला था सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, दो और स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जिनके बारे में वैसे तो आपके एनसीईआरटी में बहुत छोटे कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है, पर हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, पर ये एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए और हो सकता है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो उसमें ये जरूर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपके दो अदर स्टेट्स ऑफ मैटर बचते हैं जो कि है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे और इनके खत्म होने के बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो पहला जो आज हमें पढ़ना है कि तीन अदर स्टेट जो मतलब तीन स्टेट जो मैटर थे, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको उनको छोड़ के जो हमारे पास बाकी दो स्टेट्स ऑफ मैटर बच जाते हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होते क्या है। ठीक है, हिंदी में भी इनको यही बोला जाता है प्लाज्मा और इसको बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखो, जो प्लाज्मा होता है ना, वैसे तो ये हम लोग ना ही नॉर्मली हम यहाँ पे सुन सकते हैं, मतलब हमने सुना है अभी तक इनके बारे में, और देखने को भी ये बहुत हमें कम मिलती है। ठीक है ना, ये तो हम देख ही नहीं सकते फिलहाल अभी, पर प्लाज्मा भी हमें देखने को बहुत कम मिलता है। ठीक है, ये प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस से। ठीक है, अब ये क्या होते हैं भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ये सब फिलहाल आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आयंस के बारे में या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में आप अपने सेकंड टर्म में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए ये अभी फिलहाल आपके उससे रेलेवेंट नहीं होता। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होते क्या हैं। कि जैसे कि आपको पता है कि अभी हमने बात कर रहे हैं कि दुनिया के जितने भी मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, हम इस चैप्टर में यही बात कर रहे हैं शुरू से। ठीक है, हमने क्या कहा कि दुनिया के जितने भी मैटर होते हैं बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जब हम सेकेंड टर्म में पहुंच जाएंगे ना, हम अपने इस ईयर की सेकेंड टर्म में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट टर्म में तो आप साइंस के जो केमिस्ट्री का जो पहले दो चैप्टर पढ़ते हैं, ये वाला और इसका अगला सेकेंड चैप्टर, और जो सेकेंड टर्म में जाते हैं आप, तब उसमें आप केमिस्ट्री का थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं, जिसके अंदर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में है। ठीक है, तो एटम एटम एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये है, और उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, और आप ये पढ़ेंगे कि जिनको हम अभी हम जो बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना, कि जो मैटर होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, एक्चुअल में उन पार्टिकल्स को एटम बोला जाता है। पर ये जो वर्ड है एटम, वो आप कब सीखोगे, थर्ड टर्म में, सॉरी सेकेंड टर्म में। तो सेकेंड टर्म में जब आप वर्ड सीख लोगे एटम के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जो इन्हें हम अभी पार्टिकल बोल रहे हैं, बाद में हम एटम बोलने वाले हैं, तो वो उनके अंदर क्या होता है कि वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और ये इनका शेल होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल होते हैं, तो इनके अंदर ना तीन चीजें पाई जाती हैं, तीन चीजें पाई जाती हैं, वो है कौन सी तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर ये तीन चीजें पाई जाती है, पाई जाने को और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, फिलहाल उनके बारे में आपको नहीं जानना है, वो जब आप 11th 12th में जाएंगे तब आप और डीप में जानेंगे कि इनके अलावा भी और कौन कौन सी चीजें एक एटम के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर ये दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, और ये जो शेल्स है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसके आगे की जो डिटेल है वो हम सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। अभी बस हमें जानना है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स होते क्या है, कि
एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम की तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये शेल में पाया जाता है। बस अब क्या होता है कि ये प्लाज्मा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये प्लाज्मा ना हमें स्टार्स में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? स्टार्स में, यानी कि तारों में। ये तारे जो तारे होते हैं ना, आपने देखते हैं रात को तारे देखते हैं, तो उन तारों में ये प्लाज्मा, वो तारे जो होते हैं इस प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो होता क्या वहां पे कि, और जैसे कि तारों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारा सन, जो हमारा सूर्य है, वो भी एक तरह का क्या है? तारा ही है। आपको पता है सन इज ऑल्सो अ स्टार, ठीक है, जो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। तो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार होने की वजह से वो भी एक तरह का स्टार है, और वो भी किस स्टेट में है? प्लाज्मा स्टेट में। तो हमारा सन के ऊपर भी कौन सी स्टेट पाई जाती है? प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। और ये प्लाज्मा स्टेट होते क्या है? देखो, आपको पता है स्टार्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी हीट निकल रही है। कि तारे चमकते क्यों हैं? क्योंकि एक्चुअल में उनके अंदर बहुत सारी गैस है जो लगातार जल रही है, और उनके जलने की वजह से वो ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। और वही क्या होता है कि जैसे हमारा सन भी जो ग्लो कर रहा है इतना, वो भी किस वजह से? क्योंकि वहां पे हीट निकल रही है। तो एक्चुअल में वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पे वेरी वेरी हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। इतना टेम्परेचर होता है कि जो हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा है वहां पे टेम्परेचर होता है, कई लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ना क्या होता है कि ये एटम्स जो होते हैं ना, इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इनमें से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेते हैं, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना कि दूर 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 जाते हैं, पर हम वो आपस में एटम्स के आपस में बात कर रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने की, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इन एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है ना, तब वो बन जाता आयन। जब इलेक्ट्रॉन में एटम नहीं रहता, और इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो एटम के ऊपर एक चार्ज प्रोड्यूस जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? आयन। जब चार्ज पार्टिकल वाला एटम जो होता है उसे क्या बोला जाता है? आयन, ठीक है। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि जो प्लाज्मा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन से मिलके बना होता है। तो वो कैसे बनता है? जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो आयन बन जाता है, ठीक है। तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि वेरी हाई टेम्परेचर होने की वजह से, जो सन या स्टार पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है उनके एटम से बाहर निकल के आ जाता है, और जिस वजह से क्या हो जाता है वहां पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स बन जाते हैं। और इसका इसके वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ना ये जो आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी वजह से चीजें ग्लो करती हैं। क्या करती हैं? ग्लो करती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से चीजें कैसी करती, क्या करती हैं? ग्लो। जो हमारा सन इतना ग्लो करता है वो भी एक यही कारण है कि वहां पे प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट है। और प्लाज्मा स्टेट का मतलब क्या है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, आयन्स है, जो कि लगातार हीट एनर्जी मिलने की वजह से जलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं? ग्लो कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये प्लाज्मा स्टेट हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्टार में। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि हम क्या अर्थ पे प्लाज्मा को देख सकते हैं? तो अर्थ पे हमने एक्सपेरिमेंट द्वारा प्लाज्मा को भी प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। अर्थ पे हम प्लाज्मा को कहां देख सकते हैं? तो मैं बताता हूं, अर्थ में हम प्लाज्मा को देख सकते हैं जब हम किसी एक ग्लास ट्यूब में, मान लो एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब यानी कांच की नली, हिंदी में बात करें तो कांच की नली, कांच की नली के अंदर नियोन गैस डाल दें। कौन सी गैस? नियोन गैस, ठीक है। और बहुत ही कम प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, प्रेशर बहुत कम कर दें, और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। नियोन गैस, इसके अंदर गैस भरी हुई है, वो गैस कौन सी है? नियोन गैस। और इसके अंदर बहुत लो टेम्परेचर है, और जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो नियोन गैस जो है आयनाइज हो जाएगी, और वो वैसे ही
उसके अंदर प्लाज्मा स्टेट बन जाएगा और ये ग्लो करने लग जाएंगी, ठीक है ना। ये पहले टाइम पे होता था, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन गैस ट्यूब्स, ठीक है ना। लाइट, नियॉन की लाइट बनाई जाती थी, ठीक है ना, जो स्ट्रीट लैंप होती है और वो सब, तो वो उनमें भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था, तो प्लाज्मा स्टेट का उसमें इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। तो अर्थ पे आप कहां देख सकते हैं, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है या नियॉन गैस ट्यूब होती है उसके अंदर आप प्लाज्मा स्टेट को देख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हमारा लास्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो क्या होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की, हमारे देश के एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है ना। ये जो बोस है, कौन है बोस? सुभाष चंद्र बोस नहीं, याद रखना, एक ही नहीं है कि भाई एक ही बोस है हमारे देश में, बहुत सारे बोस सरनेम है, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस नाम के साइंटिस्ट हुए जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, हमारे देश के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बेसिस पे उन्होंने ना एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर निकाला, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। पर उन्होंने उसका कुछ नाम वाम अभी रखा नहीं था, मतलब, और उन्होंने पूरी तरह से, मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि कोई एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है पर उसका एकदम 100% सक्सेसफुल नहीं है, पर उसने काफी हद तक अच्छा काम किया है। तो होता क्या है, कोई दूसरा साइंटिस्ट उसी के वर्क के ऊपर और वर्क करके उसे और अच्छा बना देता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है आपको? जैसे मान लो कि कोई आदमी कुछ काम कर रहा है पर, और वो उस काम को ठीक कर रहा है पर 100% उसने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो कोई दूसरा अंधा आता है और उसको 100% कंप्लीट कर देता है उस काम को, तो उसमें उन दोनों का नाम हो जाता है। तो यहां पर भी वही हुआ कि बोस जो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पता लगा रहे थे। तो आपने दूसरा नाम सुना है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, सुना है एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है आपने, ठीक है ना, बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए। तो उन्होंने, हमारे देश के साइंटिस्ट जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनके एक्सपेरिमेंट्स और उनके कैलकुलेशंस को मतलब अपने हिसाब से करके उसको और ज्यादा कैलकुलेट करके पांचवा स्टेट ऑफ मैटर उन्होंने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया कि ये होता है, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा गया पांचवे स्टेट ऑफ मैटर का? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उस पांचवे स्टेट का नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये होता क्या है, ये किसने खोजा और नाम कैसे पड़ा, वो तो हमने जान लिया, अब ये होता क्या है वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक बहुत ही वेरी लो डेंसिटी स्टेट ऑफ मैटर होता है, बहुत ही लो डेंसिटी वाला स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, जैसे हमारी एयर है ना, एयर का 1/1000 गुना डेंसिटी होती है इसकी, मतलब हमारे एयर की जो डेंसिटी है उससे भी 1000 गुना कम डेंसिटी वाला ये क्या नाम है स्टेट होता है। तो ये बहुत ही कम मतलब डेंसिटी होती है जिसमें हमें पता भी नहीं चलेगा क्या है, ठीक है। और ये बहुत, ये हमारे अर्थ पे मिलती भी नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स में मिलता है, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में बस आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि किसने खोजा है, सत्येंद्र नाथ बोस ने और आइंस्टाइन ने मिलके, ठीक है। बोस की थ्योरी पे आइंस्टाइन ने काम किया, उसके बाद फाइंड किया गया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, और होता क्या है वेरी लो डेंसिटी वाला स्टेट ऑफ मैटर होता है। कितना कम डेंसिटी होती है? एयर की डेंसिटी से भी 1000 गुना कम डेंसिटी होती है, 1000 गुना कम, ठीक है ना, 1000 गुना कम बोल रहा हूं मैं, ये बात याद रखना। तो उतनी कम डेंसिटी होती है उसकी। तो यही था आपका लास्ट टॉपिक जो हमें समझना था, तो हमने ये समझ लिया। अब हम करते हैं अपने चैप्टर की एक्सरसाइज और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात, ये सिर्फ 1000 गुना नहीं है, ये 1,00,000 गुना है, 1,00,000 गुना कम होती है डेंसिटी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। 1,00,000 गुना कम डेंसिटी होती है, इसको करेक्ट आप कर लेना, मेरे थोड़ी सी गलती हो गई। तो 1000 नहीं, 1,00,000 टाइम्स मतलब कम होती है उसकी डेंसिटी एयर से, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपने चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो जो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं वो हमारे पेज नंबर 3 का
इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 3 का इनटेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कि इनमें से कौन सी चीज मैटर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज मैटर है। तो पहला बताया गया आपको, जो दिया गया है वो है चेयर। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है और मैटर क्या नहीं होता है, हमने फर्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि हर वो चीज जो कुछ जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है तो उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं सारी की सारी चीजें मैटर हैं, और मैटर क्या नहीं होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, वो मैटर नहीं होती, ठीक है, जैसे लव हेट, ठीक है, सैड हैप्पी, ये सब चीजें मैटर नहीं होती। बाकी जो आप देख सकते हो अपने आसपास चीजें ज्यादा से ज्यादा, मतलब सारी चीजें, वो सारी चीजें क्या है, मैटर। तो चेयर, चेयर भाई जगह घेरती है और इसका एक कुछ मास भी होता है तो ये मैटर है, ठीक है। अगला बोला है एयर, तो एयर भी आपको पता है मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है और गैसेस जो होते हैं वो मैटर में, स्टेट ऑफ मैटर में आता है आपका, तो ये भी एयर भी क्या हुआ आपका, मैटर। अगला है लव, तो जैसा कि मैंने बताया था कि लव जो है एक फीलिंग है, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये मैटर कोई चीज है या नहीं, ठीक है, जिस जो मैटर है उसके आगे मैं टिक लगा रहा हूं, जो मैटर नहीं है मैं उसके आगे क्रॉस लगा रहा हूं। तो आप देख लेना, आप मतलब आपको तो इसमें बस इतना लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो आप सीधा लिख देना कि एयर, चेयर, एयर एंड आगे जो आने वाले आर मैटर्स, ठीक है। तो इसमें से अब लव जो है वो मैटर नहीं है। अगला है स्मेल, तो किसी चीज की स्मेल, अब देखो ये क्वेश्चन में ना थोड़ा ये वाला जो स्मेल वाला है ये वर्ड थोड़ा डिफाइन, थोड़ा हमें कंफ्यूज करने वाला है। अब जैसे क्या इसमें सेंस हमें देखना है कि सेंस क्या लग रहा है। अगर ये हमसे पूछे गुड स्मेल और बैड स्मेल, इस हिसाब से पूछे कि गुड स्मेल और बैड स्मेल, तब तो ये एक मैटर नहीं है, ठीक है ना, गुड स्मेल और बैड स्मेल, कि हमें सूंघने में अच्छा लग रहा है या हमें वो बेकार लग रहा है, तो उस हिसाब से वो मैटर नहीं है। पर अगर हमसे बस स्मेल पूछे गए है तो स्मेल एक तरह का मैटर होता है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज के पार्टिकल्स, आपको किसी चीज की खुशबू कब आती है, जब उसके पार्टिकल्स उड़ के आपके नाक में पहुंचते हैं तभी आपको आती है। तो अगर पार्टिकल्स आपके नाक तक पहुंच रहे हैं इसका मतलब पार्टिकल का कुछ मास होगा और वो कुछ जगह भी घेरेगी, यानी कि वो भी एक तरह का क्या है, मैटर। अगला है हेट, आप किसी को हेट कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, तो ये आपकी एक फीलिंग है इसलिए मैटर नहीं है। अगला है आमंड्स, ठीक है, आमंड्स, आमंड्स क्या होते हैं, बादाम, तो बादाम तो भाई आपको पता है मैटर होगा। अगला है थॉट, थॉट आपकी सोच, तो भाई सोच तो कोई मैटर नहीं होती, कोई ना जगह घेरती है ना कुछ, उसका मास होता है, ठीक है। अगला है कोल्ड, ठंड, तो ठंड भी अपने आप में कोई मैटर तो नहीं है, ठीक है, पर अगर मैं कोल्ड ड्रिंक बोलूं वो एक मैटर हो जाएगा, ठीक है, कोल्ड कॉफी बोलूं वो एक मैटर हो जाएगा, सॉरी, पर सिर्फ कोल्ड अपने आप में कोई मैटर नहीं होता। अगला है लेमन, लेमन एक मैटर मैटर है। अगला वाटर, तो वाटर भी आपको पता है एक मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब यहां पे भी वही वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम के अगर वो गुड स्मेल और बैड स्मेल की बात कर रहा है तब तो वो मैटर नहीं है, और सिर्फ स्मेल की बात कर रहा है तब वो मैटर है, समझ में आ रही बात। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है रीजन बताना है आपको, किस चीज का रीजन, तो क्वेश्चन में बोला द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो देखो ये इस बारे में तो हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन के बारे में, अरे इसमें बोल रहा है कि जब खाना गर्म होता है तो आपको दूर से उसकी खुशबू आ जाती है, पर जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी खुशबू लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को
कि खाना जब गर्म होता है तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल दूर दूर तक फैलते हैं, और जिस वजह से हमें उसकी स्मेल दूर तक आ जाती है। पर जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और उसकी स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। तो यही चीज आप आंसर में अपने लिखेंगे, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लें अपने कॉपी में, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन है आपका? आपका क्वेश्चन है कि द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, इसका रीजन देना है। तो आपको बोलना है कि द स्मेल ऑफ, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप नोट करें अपनी कॉपी में, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे, रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड इज वेरी लार्ज, देयरफॉर इट ट्रेवल्स अ ग्रेट डिस्टेंस एंड रीचेज अस सेवरल मीटर अवे, बट इन अ कोल्ड फूड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फूड आर वेरी लो, इज वेरी लो, पार्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फूड इज वेरी लो, सो इट डज नॉट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट डज नॉट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वी हैव टू गो क्लोज टू स्मेल इट, ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। हिंदी वाले को भी बोल देता हूँ, वो भी लिख लें। आपको लिखना है हिंदी में कि गर्म खाने की सुगंध हमें दूर तक आ जाती है, गर्म खाने की सुगंध हमें दूर तक आ जाती है क्योंकि गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिस कारण वह बहुत अधिक दूरी तय करती है। इसके विपरीत ठंडे खाने की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, ठंडे खाने के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, अतः वह ज्यादा दूरी तय नहीं करती, इस कारण हमें उसकी सुगंध लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कह रहा अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी डज ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कह रहा है कि जो एक डाइवर होता है, जो तैरने वाला तैराक होता है, वो पानी के अंदर चले जाता है, पानी को काट देता है और उसके अंदर चले जाता है, इससे हमें मैटर ऑफ पार्टी मतलब स्टेट ऑफ मैटर के कौन से गुण का पता चलता है, ठीक है ना? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कौन से हमें प्रॉपर्टी का पता चलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसी वजह से तो वो उसके अंदर जा पा रहा है। अगर उसके अंदर बीच में स्पेस नहीं होगा तो वो उसके अंदर कैसे जाएगा, ठीक है? अगला है, वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ के कणों के अभिलांछनिक गुण क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है? क्या क्या है? तो पहला मैंने बताया था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा बताया था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही कर चुके हैं, ठीक है? हमने इनको डिटेल में समझा था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला जो है ये भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पेज नंबर 6 पे, ठीक है? पेज नंबर 6 पे कह रहा है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यहां पे डेंसिटी की आपको डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है?
पेज नंबर 6 पे डेफिनेशन दे रखी है डेंसिटी की, कि डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो कह रहा है अब बताओ कि इनमें से किसकी किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और किसका वॉल्यूम कम होगा। क्या क्या दे रखा है आपको? एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि सबसे कम पहले किसकी होगी डेंसिटी, फिर किसकी ज्यादा होगी, और फिर उससे ज्यादा किसकी होगी। तो आपको जैसा कि पता है सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो गैस की होती है, फिर लिक्विड की होती है, और फिर सॉलिड की होती है। तो यहां पे अगर हम आए तो सबसे कम डेंसिटी मिलेगी एयर की, एयर के बाद आएगी एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की, ठीक है। उसके बाद लिक्विड पे आ जाते हैं तो उसके बाद आएगा वाटर, उसके बाद आएगा उसके बाद हनी, उसके बाद कॉटन, उसके बाद चॉक, और उसके बाद आयरन। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया जिसमें डेंसिटी को हमने लगा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा टेबुलेट द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में आपको डिफरेंस लिखना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, ठीक है। अगला है, कह रहा कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, आपको डेफिनेशन देनी है या कमेंट लिखना है इनके बारे में। पहला बता रखा है रिगिडिटी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रिगिडिटी क्या होती है, ठीक है। आप अपनी पिछली क्लासेस देख सकते हैं, उनके अंदर मैंने बात की है उसके बारे में। अगला है कंप्रेसिबिलिटी, इसके बारे में भी हमने बात कर रखी है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कि जब आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और उसके पार्टिकल्स को पास पास ले आते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तीसरा बोला है फ्लूडिटी, फ्लूडिटी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि भाई जो चीज फ्लो करती है उनको हम फ्लूड कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, फ्लूडिटी। अगला है फिलिंग अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ गैस कंटेनर, ये अच्छी चीज है, ये हमने इसके बारे में भी वैसे बात कर रखी है, पर आप इसको थोड़ा सा और समझे। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कोई भी जो गैस होती है, ये वैसे मैंने ये भी करा दिया आपको पहले ही, पर मैं फिर से बता दूं कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी जो गैस होती है वो किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से भर देती है। अगर ये क्लोज कंटेनर है तो आपके पास इसमें चाहे थोड़ी सी गैस हो चाहे बहुत सारी गैस हो, वो गैस थोड़ी सी गैस भी पूरे स्पेस को भर देगी, और अगर बहुत सारी गैस है वो भी इस पूरे को भर देगी। तो ये बोल रहा है फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो होता क्या है ना, इसमें मैं एक छोटा से टॉपिक के बारे में बता रहा हूं जो कि इससे रिलेटेड है, कि होता क्या है कि ये एक्चुअल में कोई गैस किसी कंटेनर को कैसे फिल करता है। तो इसका कारण ये होता है कि जितने भी मैटर और पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स और मैटर होते हैं ना, ये ना हमेशा रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन मतलब कहीं भी घूमते हैं, जिगजैग मोशन, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी टकरा रहे हैं किसी से भी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स लगातार गति करते रहते हैं और ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है ना। इस जो रैंडम मोशन होता है ना, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। तो इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? BROWNIAN, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट के पार्टिकल जिगजैग मोशन करते हैं तो ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ये हमेशा टकराते हैं और टकरा के हर कोने में फैल जाते हैं। तो जब ये टकराने के बाद पार्टिकल्स हर कोने में फैल जाते हैं, इसी कारण से गैस के पार्टिकल जो हैं किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से भर देते हैं। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, ठीक है।
अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है शेप। शेप क्या होता है? तो द आउटर बाउंड्री, ठीक है ना, आउटर बाउंड्री, और उससे जब हमें कोई रिकॉग्निजेबल मतलब फिगर दिखाई देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेप। अगला बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था आपको, द एनर्जी ड्यू टू द पोजेस्ड ड्यू टू द एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जो किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है अगर उसके मोशन की वजह से होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और लास्ट पूछ रखा है डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी के बारे में अभी हमने बात करी, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन। अगले क्वेश्चन में हमें रीजन देना है, किस चीज का रीजन? पहला क्वेश्चन है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द गैस वेसल इन विच इट इज कैप्ट। तो अभी अभी हमने इसके बारे में बात करी है, दोबारा से यही बात पूछ ली हमसे इसने। अगला कह रहा है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये अच्छा है कि कोई भी गैस जो होती है उसके कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाती है, मतलब कि अगर इस कंटेनर में गैस है तो वो जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो इसके चारों तरफ क्या लगाएगा? प्रेशर। इसमें क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा इनके दीवारों पर, कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाता है। इसका कारण? तो भाई अभी मैंने बताया आपको कि गैस में क्या होता है कि पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट करते हैं, और इधर उधर मूवमेंट करने की वजह से इनमें क्या होता है? ब्राउनियन मोशन होता है। और ब्राउनियन मोशन में क्या होता है कि जब ये टकराते हैं, जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराया, अब ये इधर गया ये इधर गया, तो ये जाके ना वापस किससे टकराते हैं? दीवारों से। किससे टकराते हैं? ये पार्टिकल जो होता है पहले आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद इधर उधर चले गए तो ये दीवारों से टकरा गए। और जब ऐसे ही बहुत सारे लगातार पार्टिकल दीवारों से टकरा रहे होते हैं, और दीवारों से टकराने की वजह से वो उसके ऊपर क्या एग्जर्ट करते हैं? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो ये इसका आंसर है, ड्यू टू रैंडम मोशन और ब्राउनियन मोशन द पार्टिकल हिट्स द वॉल ऑफ कंटेनर, देयर फोर इट एग्जर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगला कह रहा है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड बोलना चाहिए, तो बोलना ही चाहिए क्योंकि उसका ना अपना उसका शेप साइज वॉल्यूम सब फिक्स होता है, उसके पार्टिकल मतलब उनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, सारी क्वालिटी जो सॉलिड वाली है उसके अंदर होती है, तो हम एक सॉलिड, एक वुडन टेबल को सॉलिड कह सकते हैं। अगला वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। कह रहा है कि हम एयर में अपना हाथ आराम से हिला लेते हैं, एयर है यहाँ पे, मैं अपना हाथ आराम से हिला पा रहा हूँ, पर अगर हमें एक वुडन ब्लॉक के बीच में से हाथ को निकालना है तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट, कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है, इसका कारण यही है कि एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे स्पेस है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हम उसमें आसानी से हाथ हिला लेते हैं, पर जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, जिस वजह से हम उनके पार्टिकल्स के बीच में अपने हाथ को नहीं घुसा सकते, और इस वजह से हम उसमें हाथ की मूवमेंट नहीं कर सकते। और उसके अगर हम बीच में से हमें मूवमेंट करना है तो एक ही उसका तरीका है कि हम कराटे एक्सपर्ट हो जाए, जिससे हम उस पर चॉप करें, मारें उसे, तो हिट करने से वो टूट जाए और हमारा हाथ उसके बीच में से पास हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। तो क्वेश्चन में बोला है कि वैसे तो आपको पता है कि सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा, मतलब ज्यादातर देखा जाता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। तो आपको पता आइस सॉलिड होता है और वाटर जो होता है लिक्विड होता है, फिर भी आप देखते हैं कि आइस जो होता है वाटर पे तैरता है, जबकि जिसकी डेंसिटी, अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा होती तो वो डूब जाना चाहिए था, ठीक है ना। आइस सॉलिड है और अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से तो वो डेंसिटी, उसकी वजह से वो पानी के अंदर क्या होता है? डूब जाता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है? डूब जाता है। पर आइस जो होता है पानी में तैरता रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि भले ही जो आइस है वो सॉलिड है, पर वो सॉलिड किस वजह से है? वो सॉलिड उसका टेम्परेचर कम करने की वजह से और उस पर प्रेशर बढ़ाने की वजह से, ठीक है, कि हमने उस पर प्रेशर बढ़ा दिया और उसका टेम्परेचर कम कर दिया।
पर होता क्या है, वो है तो एक तरह का मतलब वो लिक्विड का ही, उसी लिक्विड का ही बना हुआ है। और दूसरी बात ये कि इसके जो आइस होता है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। जो आइस होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होता है, लिक्विड से ज्यादा, ठीक है ना। एज कंपेयर टू लिक्विड, आइस में ज्यादा स्पेस होता है। कभी आप खुद देखना, कभी आपने किया है कि अगर आपने किसी फ्रीजर में, मतलब जो बर्फ जमाने वाला आपका जो फ्रिज के अंदर फ्रीजर वाला पार्ट होता है, उसमें अगर आप एक बॉटल पानी उसको भर के ना, उसको उसका जो कैप लगा के वो फ्रीजर में डाल दें, ठीक है, और जब वो पूरी तरह से बर्फ बन जाए तब उसको बाहर निकालें, तो जैसे ही आप उसका ढक्कन खोलेंगे ना, वैसे तो पहली बात तो ढक्कन बहुत टाइट हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही खोलेंगे तो वो एकदम बाहर आने के लिए करेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आइस का वॉल्यूम जो होता है ना, वो वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। हमेशा आइस, जब भी आप बर्फ जमाते हो तो वो फैलता है, आइस फैल जाती है थोड़ी सी, ठीक है। आइस का वॉल्यूम हमेशा बर्फ के वॉल्यूम, वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, और वॉल्यूम बढ़ जाने से आपको पता है डेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। अब भले मास सेम है दोनों का, अगर मैंने 100 ग्राम पानी लिया है और उसका हमने बर्फ जमा दिया, ठीक है ना, 100 ग्राम वाटर से हमने क्या कर दिया, आइस बना दी, तो भले ही ये भी 100 ग्राम है पर ये भी 100 ग्राम है, पर होगा क्या, इसका वॉल्यूम कम होगा और इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। और आपको पता है डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उससे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और इसी वजह से आइस का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इंटू सेल्सियस स्केल। तो हमें कुछ केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, उसे हमें सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहला आपको जो दे रखा है, ये पेज नंबर 9 का है, पेज नंबर 9 का आपका इंडेक्स क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, और आपको पहले का पहला पार्ट दे रखा है 300 केल्विन, और दूसरा पार्ट दे रखा है 573 केल्विन। ये दो आपको दे रखे हैं टेम्परेचर, इनको आपको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई केल्विन से सेल्सियस में करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था केल्विन इज इक्वल टू, सॉरी सेल्सियस निकालना ना, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। मैंने बताया था जब सेल्सियस से केल्विन में निकालना होता है तो 273 प्लस कर देते हैं, और जब सेल्सियस से केल्विन में निकालना है तो 273 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 300 में से 273 को माइनस कर देना है, तो हमारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, तो कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पार्ट करें तो आपको दे रखा 573 केल्विन, तो फिर से सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273, और अगर आपको सेल्सियस निकालना है तो ये आ जाएगा 573 माइनस 273, और बचा कितना, ये 300 डिग्री सेल्सियस। तो दूसरा टेम्परेचर आ गया 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, ये आप लोगों ने पहले भी कर रखा है, ठीक है। इसी का अगला इंडेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉरी वाटर, द व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या कैसा स्टेट होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे कह रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैसा होगा, किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, या गैसियस स्टेट में। तो पहला जो आपको दे रखा 250 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियस सी बात है 250 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो गैस स्टेट में होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लिक्विड होता है या जो हमारा वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर जाता है, ठीक है। हमारा वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है, और 100 पे बॉईल होने के बाद
उसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ता तब जब तक कि सारा का सारा लिक्विड किस में चेंज ना हो जाए, गैस में। जब सारा लिक्विड गैस में चेंज होगा उसी के बाद उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर वाटर का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस हो गया है, इसका मतलब यह है कि सारा का सारा वाटर जो है लिक्विड से गैस स्टेट में आ चुका है, तो गैस स्टेट में वो 250 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और दूसरा कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है और उसी में वो गैस भी बन रहा होता है, ठीक है। 100 पे वो इवेपोरेट भी होना शुरू हो जाता है, वेपराइजेशन भी शुरू हो जाता है उसका। तो यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड पे भी होगा और गैस में भी होगा। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है हमेशा गैसीय स्टेट में होता है। तो यहां पे लिख देना, इसका आंसर आप लिखेंगे एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर कम्स, या एट 250 डिग्री सेल्सियस द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज गैस, ठीक है ना। एट 250 डिग्री सेल्सियस द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज गैस, कि 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो गैसीय स्टेट में होगा। और सेकेंड जो आपको बोल रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप लिखेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड एंड गैस बोथ। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड पे भी रह सकता है और गैस पे भी, वो बॉयल भी हो रहा होता है उस पर और वो गैस में कन्वर्ट भी हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाए तो 100 पे भी वो गैस में आ जाता है पर लिक्विड भी रहता है उस पर, बॉयल कर रहा होता है और गैस में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कह रहा है जब किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होता है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है बहुत डिटेल में, हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा था और ये उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि अगर हम किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज करते हैं, चाहे हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं चाहे हम लिक्विड से गैस बना रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर उस टाइम पे चेंज क्यों नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि जब आप आइस को पिघलाएंगे तो जब तक कि पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो इसका कारण मैंने बताया था कि उसमें उस टाइम जो हम उसको हीट दे रहे होते हैं वो हीट उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में काम नहीं करता, उस टाइम वो उसके स्टेट को चेंज करने में काम होता है, जो कि काम करता है लेटेंट हीट के तौर पर, और इस वजह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो यही चीज आपको लिखना है इसके आंसर में कि क्या लिखोगे। मैं इसका आंसर लिखवा रहा हूं, यहां पे नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर लिखो, यार ये ना गिरे यार। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर द टेम्परेचर ऑफ मैटर रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर
यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. Therefore, the temperature of matter remain constant. Yeah, sorry, ये तो हमने पहले लिख दिया था ना, ये लिखने की जरूरत नहीं. बस तो ये इसका आंसर हो गया कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मैटर टेम्परेचर ऑफ द मैटर रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर यूज इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट. कि जो आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, एक्चुअल में वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, वो कहाँ काम करने लगता है, वो उसके स्टेट को चेंज करने में काम करने लग जाता है. ठीक है, लेटेंट हीट के फॉर्म में, इस वजह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस. कि एटमॉस्फेरिक गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं. तो एटमॉस्फेरिक गैस को आप लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, उसको लिक्विड कैसे बना सकते हैं. तो इसका इसके दो तरीके हैं. जैसे कि आपको पता है, टेम्परेचर को रिड्यूस करके और प्रेशर को बढ़ा के. कि जब आप टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, आपको पता है ना स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है. मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर कितने तरह से चेंज हो सकते हैं, दो तरह से. पहला बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर और दूसरा बाय चेंज ऑफ प्रेशर. टेम्परेचर चेंज करके और प्रेशर चेंज करके. टेम्परेचर चेंज करके भी आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं और प्रेशर चेंज करके भी आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं. तो अगर आपको गैस को लिक्विड बनाना है, यानी एयर, एयर जो कि गैस फॉर्म में है, आपको इसको लिक्विफाई करना है. ठीक है ना, तो एयर को लिक्विड बनाना है. तो यानी गैस से लिक्विड बनाने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, या तो आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं. टेम्परेचर बहुत कम कर दीजिए. ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम करने से जो गैस है वो क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है. और इसी के साथ साथ हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं. प्रेशर बढ़ाते हैं तो कंप्रेशन, पता है आपको कंप्रेशन के बारे में, कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं एयर में. एयर भी एक तरह की गैस है, मतलब एयर में गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. तो आप उनको जब कंप्रेस करेंगे, इसको आप कंप्रेस करेंगे तो इसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और पार्टिकल पास पास आने की वजह से वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में. तो वी कैन लिक्विफाई द गैस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है ना, कि वी कैन चेंज एयर फ्रॉम गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर. ठीक है ना, प्रेशर ऑन इट. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला जो है आपका क्वेश्चन है वो इंटेक्स क्वेश्चन है, आपके पेज नंबर 10 पे. ठीक है, पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पे आपके कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है. और पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. कि जो डेजर्ट कूलर होते हैं आपके घरों में, कूलर लगे होते हैं गर्मियों के समय में. ठीक है, तो वो कह रहे कि जो हॉट ड्राई डे होता है, गर्म दिन होता है. ठीक है ना, काफी गर्म दिन होता है और शुष्क दिन होता है, यानी कि जिस दिन हवा नहीं चलती, एकदम गर्मी होती है, उसमें कूलर कैसे काम कर जाता है, कूलर कैसे ठंडी हवा देता है. गर्मी बाहर बहुत हो रही होती है पर कूलर ठंडी हवा दे रहा होता है, तो इसका कारण क्या है. तो इसका कारण जैसा कि हमने पढ़ा था इवेपोरेशन कॉज कूलिंग में. ठीक है ना, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग में हमने बहुत बार इसको मतलब पढ़ा था. तो मैं इसका भी आंसर वही सेम टू सेम है जो हमने पाम वाला पढ़ा था ना, कि एसीटोन अगर हम डालते हैं पाम पे तो हमें हाथ पे ठंडा फील क्यों होता है, और कॉटन क्लोथ हम समर में क्यों पहनते हैं. वही वाला आंसर इसका भी बनेगा. कि डेजर्ट कूलर आपको पता है कि उसमें पानी होता है. ठीक है ना, पीछे आप पानी भरते हैं उसके अंदर, और चारों तरफ उसका पानी, मतलब उसका तीनों तरफ, आगे की तरफ तो फैन होता है और पीछे तीनों तरफ उसके पानी गिर रहा होता है ऊपर से,
जब आप उसकी मोटर चलाते हो उसमें से पानी निकल निकल के वहां पे घास लगा रखी होती है आपने और उन पे गिरता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, वो पानी डालने का कारण क्या है? क्योंकि जब दिन गर्म होते हैं और आप ऐसा उस पे मतलब उसके अंदर पानी होता है, वो पानी उसके चारों तरफ गिरता है, तो वो पानी आसपास की गर्मी को लेके अपने काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेता है, उसके इंटर पार्टिकल एनर्जी से ज्यादा कर लेता है और लेके उसको क्या हो जाता है, इवेपोरेट। और आसपास की एनर्जी को जब लेके वो इवेपोरेट हो रहा है तो उससे आसपास की एनर्जी कम हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है, जिससे आसपास की एयर जो होती है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। वो आसपास की एयर कैसी हो जाती है, ठंडी। और जब उसका फैन चलता है वही ठंडी हवा पीछे से आगे की तरफ आपके पास आती है और गर्मियों में आपको ठंडी हवा देती है। तो ये तरीका है जिससे कूलर जो होता है वो आपको गर्मियों में ठंडी हवा देता है, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे आपने वो पाम वाला या क्या नाम है, हाउ डू वी सॉरी वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर, उसका जो आंसर लिखते हैं बिल्कुल इसका आंसर भी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं अगर लिखवाना चाहूँ तो लिखवा देता हूँ इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि द वाटर इन द डेजर्ट कूलर टेक द एनर्जी फ्रॉम इट सराउंडिंग एंड इवेपोरेट। कि जो वाटर कूलर में सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कूलर में वाटर होता है, ठीक है ना, डेजर्ट कूलर में जो वाटर होता है वो अपने आसपास की एनर्जी को लेता है और क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिससे आसपास की एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, द एनर्जी ऑफ सराउंडिंग बिकम लेस, और वहाँ आसपास की एनर्जी जो होती है लेस हो जाती है, कम हो जाती है, एंड एयर बिकम कूल, और इससे हवा कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। विच इज ब्लोन बाय इट्स फैन टू अस, जो उसके आगे पंखा लगा होता है उसके द्वारा वो हवा हमारे पास आ जाती है। और इस तरह सो द डेजर्ट कूलर गिव कूल एयर ड्यूरिंग हॉट ड्राई डे, इस वजह से जो गर्म गर्म दिनों में जो है कूलर हमें ठंडी हवा देता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब ये इस वाले इंटेक्स क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है ना सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो मैंने एक आंसर आपको लिखवाया है, बाकी मैं समझा देता हूँ, पर आप ये खुद लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबके लिखने का तरीका कुछ इसी तरीके से होगा। मैं इसका क्वेश्चन नंबर टू आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर टू लिखा है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो ये मटके के पानी के बारे में बात कर रहा है, अर्थन पॉट मतलब होता है मटका, ठीक है। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो मटका होता है उसमें पानी ठंडा कैसे हो जाता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई मटके में जो माइक्रो पोर्स होते हैं उनमें से
जो पानी है अंदर का बाहर आ जाता है, और वो वाटर जो होता है अंदर वाले वाटर की एनर्जी को लेके, या आप कहते हो हीट को लेके, इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर वाला पानी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये भी उसका आंसर सेम टू सेम, जैसे ये वाला है आंसर वैसे ही वो वाला भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कह रहा है कि अगर हम अपनी हथेली पे पेट्रोल या परफ्यूम या एसीटोन रखते हैं थोड़ा सा, तो हमारे हाथ में ठंडा फील क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, कि वो हमारे पाम की एनर्जी को लेके इवेपोरेट हो जाता है, जिस वजह से हमारे पाम में कैसा फील होता है, हमारे पाम की एनर्जी कम हो जाती है और उससे हमें वहां पे ठंडा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। कह रहा है कि हम किसी सॉसर से चाय या दूध, मिल्क और टी जो कि गर्म है, ठीक है ना, हॉट मिल्क और टी हम जल्दी पी पाते हैं किसी सॉसर से, रेदर देना कप। ठीक है ना, आप कप में पियेंगे तो लेट लगेगा और एक सॉसर में पियेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो ये क्यों हो पाता है। तो इसका आंसर आपको बता रखा है मैंने, अरे सॉसर के बारे में बताया ना कि उसका एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होने से वो चीजें जल्दी ठंडा हो जाएंगी। ठीक है ना, और हम सॉसर में आसानी से चाय या कॉफी या दूध जो भी है वो हम आसानी से पी पाएंगे। ठीक है, और कप का एरिया कम होने की वजह से उसका इवेपोरेशन भी कम होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडा उसमें नहीं होता और उसको हमें पीने में देर लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर। हमें समर में किस तरह के क्लोथ पहनने चाहिए, तो आपको बता रखा है मैंने कि हमें समर में कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ इंटेक्स क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो गए। अब हम समझ लेते हैं थोड़े इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। आपको इनको सेल्सियस में चेंज करना है, आपको कैल्विन में दे रखा है और सेल्सियस में चेंज करना है। अभी हमने किया था ये क्वेश्चन, अभी हमने इंटेक्स में सेम क्वेश्चन किए थे, अब हमें दोबारा से इसी को करना है। आपको कैल्विन में दे रखा है 293 कैल्विन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट 470 कैल्विन, इसको आपको सेल्सियस में करना है। तो मैंने सेल्सियस बताया था कि कैल्विन माइनस 273, कि इसमें से 273 माइनस कर दो तो वो सेल्सियस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सेल्सियस बराबर 293 माइनस 273, जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 20, तो कितने डिग्री सेल्सियस आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको चेंज करना है तो फिर से सेल्सियस इज इक्वल टू कैल्विन माइनस 273, तो सी इज इक्वल टू 293 माइनस 2, सॉरी 470 माइनस 273, और माइनस कर दो तो 10 में से 3 गया 7, बचा 6, 6 तो ये 9 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो माइनस करना और कुछ नहीं है इसमें बिल्कुल। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका उल्टा है, इसमें कैल्विन से सेल्सियस में करना है, अगला आपको दे रखा है सेल्सियस में और उसको आपको कन्वर्ट करना है कैल्विन में। तो आपको पहला दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा आपको दे रखा है 373 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सेल्सियस निकालने के लिए कैल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं, अगर आपको कैल्विन में निकालना है तो 273 को उधर ले जाके प्लस कर देंगे। तो कैल्विन का फॉर्मूला होता है सेल्सियस प्लस में 273, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये कैल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैल्विन बराबर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस में 25 प्लस में 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 298। ठीक है, तो 5 और 3 8 होता है, 2 और 7 9 होता है, और 2, ठीक है, 298 कैल्विन। इसको चेंज करेंगे फिर से वही सेल्सियस प्लस 273, तो कैल्विन बराबर आ जाएगा 373 प्लस 273, तो कैल्विन में कितना आ जाएगा 336, 7 2 जो 14 और 1 सॉरी 7 2 जो 14 का 4, 2 और 3 2 5 और 1 6, तो 646 कैल्विन, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, दोबारा बस एक्सरसाइज में एक बार दे रखा तो हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन
इसका क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं वो सॉलिड के सॉलिड फॉर्म में होती हैं और कुछ समय में अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है, तो डिसअपियर हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो सब्लिमेट हो जाती है। अरे मैंने बताया था आपको सब्लिमेशन, बताया था ना कि भाई हमने कन्वर्जन पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, हमने सारे कन्वर्जन पढ़े थे जिसमें सॉलिड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को, सॉलिड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो सॉलिड नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है क्योंकि वो क्या हो जाती है? सब्लिमेट हो जाती है, ठीक है, वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाती है विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट, तो इस वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे बिकॉज, तो क्वेश्चन नंबर थ्री इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज, इसका फर्स्ट पार्ट, द नेफ्थलीन बॉल्स गेट सब्लिमेटेड, देयरफोर इट डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इसका बी पार्ट जो है, क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, कि परफ्यूम की स्मेल हमें बहुत दूर तक आ जाती है, तो इसका कारण, तो इसका कारण आप बता सकते हैं कि परफ्यूम की स्मेल हमें दूर तक क्यों आती है? तो मैं बताता हूं, तो होता क्या है कि भाई परफ्यूम जो है जब आप अपनी बॉडी पर लगाते हैं तो आपकी बॉडी गर्म होती है, ठीक है, आपकी बॉडी में थोड़ा टेम्परेचर होता है, आप कभी भी ये बात फील कर सकते हैं आपकी बॉडी हमेशा क्या होती है? गर्म, ठीक है। तो जब हम अपनी बॉडी पे परफ्यूम लगाते हैं तो वो परफ्यूम हमारी बॉडी की एनर्जी को लेके इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, और इवेपोरेट होने की वजह से वो दूर तक फैल जाता है, और क्योंकि वो गर्मी को लेके हुआ है तो उसमें हीट का काइनेटिक एनर्जी होती है और वो दूर तक फैल जाता है, ठीक है, इसलिए परफ्यूम की स्मेल जो है वो दूर तक आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है जिनके अट्रैक्शन फोर्सेस के उस पे, ठीक है, कि किसका अट्रैक्शन फोर्स कम है फिर किसका ज्यादा है, ठीक है। तो आपको तीन चीजें दे रखी हैं, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन, तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि किनके पार्टिकल्स की इंटर पार्टिकल एनर्जी ज्यादा है। तो आपको पता है सबसे कम जो इंटर पार्टिकल एनर्जी होती है वो गैस की होती है, उसके बाद किसकी होती है ज्यादा? लिक्विड की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो सॉलिड की। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले आप गैस का नाम लिखेंगे जो कि इनमें से है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे, इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे वीक होता है, उसके बाद होता है वाटर में, और सबसे ज्यादा होता है शुगर में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन कराया था कि वाटर का स्टेट कैसा होता है, मैंने इससे पहले हमने इंटेक्स क्वेश्चन अभी किया था ना,
तो उसमें 250 डिग्री सेल्सियस था और 100 डिग्री सेल्सियस था, इसमें है 25, 0 एंड 100। तो आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस क्या है? रूम टेम्परेचर। और ना ही ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ना ही ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस टेम्परेचर पे वो किस में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में। आप पूरी स्टेटमेंट में लिखेंगे और पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखवाया था वैसे लिखेंगे, ठीक है ना? वैसे जो इंटेक्स क्वेश्चन में लिखवाया था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड, ऐसे करके। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है वो सॉलिड बन जाता है और इस पे वो लिक्विड भी रहता है। पर यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक स्टेट की पूछी जाए कि कौन सा एक स्टेट पे रहता है, अगर एक स्टेट की पूछी जाए तो आप उसको सॉलिड ही लिखेंगे, ठीक है ना? वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड पे भी चेंज हो जाता है, आपको पता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस सॉलिड में भी होता है और उसी में वो पिघल भी जाता है, उसमें वो लिक्विड पे भी आ जाता है। पर अगर आपसे सिर्फ एक स्टेट पूछी जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैसा होगा, तो आपको सॉलिड बोलना है। अगर ऑप्शन भी पूछ रहा है, दोनों आ जाए कि सॉलिड एंड लिक्विड, तब दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है? 100 पे यहाँ भी वही बात आ जाती है जो यहाँ पे है, कि 100 पे पानी जो होता है बॉयल भी हो रहा होता है और 100 पे वो गैस में चेंज भी हो रहा होता है, ठीक है? तो अगर आपसे सिर्फ एक पूछा जाए कि एक स्टेट बताओ, तब आप गैस लिखेंगे। और अगर आपके पास चॉइस है कि आप दो भी बोल सकते हैं, तो आपको लिक्विड या लिक्विड एंड गैस दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? पर अगर एक ही चीज लिखनी है तो आप गैस लिखेंगे, ठीक है? तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में जस्टिफाई करना है हमें, ठीक है? इसका आंसर दे के जस्टिफाई करना है, रीजन देना है। कह रहा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। तो ये आप नोट कर लेना, ठीक है? पॉज करके वीडियो को, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कह रहा वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। तो आपको सबसे पहली बात तो रूम टेम्परेचर पता होना चाहिए, रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। एक एडल्ट रूम टेम्परेचर जो हम मानते हैं वो मानते कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो आप बताएं कि 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ना ही वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ना ही वो उसका क्या नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है? तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे वाटर जो होता है लिक्विड होता है। तो आप लिखेंगे एट रूम टेम्परेचर, या आप लिखेंगे रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस इज नाइदर द फ्रीजिंग पॉइंट नॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज इन लिक्विड स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब इसी का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कि आयरन अलमीरा जो होती है, यानी लोहे की अलमारी जो होती है, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। तो भाई लोहा जो होता है आपको पता है, उसको मेल्ट करना यानी कि सॉलिड स्टेट में तो वो है ही, लिक्विड में करने के लिए हमें उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करना होता है, ठीक है ना? उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो पिघलेगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होता है, ठीक है? तो आपको लिखना है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज वेरी लार्ज,
एंड इट कैन नॉट बी मेल्टेड इन 25 डिग्री सेल्सियस. सो द आयरन एलमीरा इज एट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आप लिख लो, ये नोट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है why is ice at 273 डिग्री केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर. तो ये नोट कर लो. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार आता है. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें. कह रहा है, एट 273 डिग्री केल्विन व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. कह रहा है कि 273 केल्विन पे एक तरफ है आइस और एक तरफ है वाटर, पर ये ज्यादा ठंडा होता है और ये कम ठंडा होता है. ठीक है, कोल्ड लिख लो. ये ज्यादा ठंड, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में और ये कम इफेक्टिव होता है कूलिंग में. तो मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता रखा है. याद करो कि मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि इसमें क्या होती है, एनर्जी कम होती है. ठीक है, क्योंकि वाटर में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिस वजह से वाटर जो होता है कम इफेक्टिव होता है कूलिंग में देन आइस, क्योंकि आइस में एनर्जी कम होती है. सीधी सी बात है, जिसमें एनर्जी कम होगी वो ज्यादा ठंडा होगा और जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो गर्म होगा. तो इसमें एनर्जी ज्यादा है तो ये कम ठंडा होगा, मतलब गर्म नहीं होगा, कम ठंडा, इससे कम ठंडा. ठीक है, और ये ज्यादा ठंडा क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं है. ठीक है, एनर्जी कम है, इसमें ज्यादा एनर्जी है, इसमें कम एनर्जी है, इसलिए ये ज्यादा ठंडा है, ये कम ठंडा है. ठीक है, सिंपल. और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. इसके बारे में भी मैंने बता रखा है कि कौन ज्यादा जलन पैदा करता है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. ठीक है, वाटर या वाटर से निकलने वाला स्टीम. ये भी 100 डिग्री पे है, ये भी 100 डिग्री पे है, 100 डिग्री सेल्सियस. कौन ज्यादा जलन पैदा करता है? तो मैंने बताया था आपको कि जो गैस होती है यानी कि इसमें से जो वेपराइजेशन होती है इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इसमें इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इस वजह से ये ज्यादा गर्म होती है और ये कम गर्म होती है. इसमें लेटेंट हीट है, हीट होने की वजह से ज्यादा गर्म होती है, इसमें लेटेंट हीट नहीं है तो इसकी वजह से ये कम गर्म होती है. ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है, मतलब ये मैंने समझा दिया आपको, बाकी लिखने का जो रिटर्न थ्योरी है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे. ठीक है ना, तो नोट्स में आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर. ठीक है ना, तो वेबसाइट से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, तो उसमें इनके क्वेश्चनों के आंसर भी लिखे हुए हैं. कि अभी अगर आप बोलोगे, कन्फ्यूज हो जाओगे कि मुझे लिखना क्या है, मतलब आपने ये तो लिख दिया पर पूरा थ्योरी क्या है, तो वो मैं नोट्स डाल दूंगा, उस नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, तो उसमें सबके आंसर लिखे हुए हैं, बाकी मैंने इनको समझा दिया. ठीक है, और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका सॉलिड लिक्विड गैस में, तो लास्ट क्वेश्चन में आपका
वही साइकिल बना हुआ है जो कन्वर्जन साइकिल, ठीक है ना, जो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में कन्वर्जन साइकिल है वही बना हुआ है। तो आपको उसको फिल करना है कि किस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कि अगर मैं तीन ऐसे बना दूं, वैसे उसमें ऐसे करके बनाया हुआ है, सॉलिड लिक्विड, मतलब ऐसे तीन बॉक्स बना दिए, यह है सॉलिड, यह है लिक्विड एंड यह है गैस। तो कन्वर्जन का नाम बताना है, इसका 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 नाम दिया है ए, इसका दिया है ए और इसका दिया है डी, ये है बी, ये है सी, फिर एक बार यहां से ऐसे दिया है, इसका नाम है ई, और एक बार यहां से ऐसे दिया है, इसका नाम दिया है एफ। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इसको आपको फिल करना है, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। वैसे भी आपको पहले कराया हुआ है मैंने, ठीक है ना, पहले आपको कराया हुआ है, आप वहीं से दोबारा से देख सकते हैं कि मैंने आपको ऐसे करके कराया है, ठीक है, ऐसे करके, तो ठीक है ना, तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं। तो वही चीज है, तो आप इसको खुद कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा साइंस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं उसके अंदर।